কমন ল আডমিশন টেষ্ট্রে সর্বভারতীয় স্তরের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সমস্ত চকিত করেদকালার রাজেশ অগ্রওয়াল ও সঙ্গীতা অগ্রওয়ালক ঝিও নিধি অগ্রওয়াল তবে নিধি জন কেবল ছাত্র নুঁঁতি সে জন ভালো আথলেট সিধা সাল সহ আলোচনা করা কমিটি লাগর এ स्टडी सब से की परिकल्पना कर आग को फ्यूचर को लेकिन कम भाई आशीर लहरी जो पर मध्य देखा देखने नहीं के खुशी अच्छा से मुहरू शुणा प्रथम तो निधि पहले तो निधि मैं आपको कंग्राजुलेट बोलूँगा क्योंकि इतना अच्छा एक इंडियन रैंगिंग में सेकेंड पोजिशन में आए हैं कैसे है बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था तो पहले तो न्यूज़ डाइजेस्ट ही नहीं हुआ लेकिन जब पता चला कि हाँ इतना अच्छा स्कोर आया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड फिर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे तो उस चीज़ को लेके बहुत अच्छा लगा ये जो स्ट्रीम को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में लॉ एक uh, जो सेगमेंट है लॉ को आप क्यों चुने आ, मैंने अपने सारे करियर ऑप्शंस देखे और लॉस जो करियर था वो मेरे स्किल्स के साथ सबसे ज़्यादा मैच करता था तो उसी मैंने लॉ करियर को चूज़ किया आपने थी जो लोअ इंट्रेंस में सेकेंड पोजीशन में ऑल इंडिया रैंकिंग में आने के लिए आप कितना मेहनत किए हैं ऐसे तो मैंने छः महीने मेहनत की थी लेकिन ये एडमिशन ये टेस्ट इतना ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है कि आपको बचपन से अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ती है तो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि आपने सिर्फ छः महीने प्रिपेयर किया है जो आपने बचपन से किया है वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, कहीं काउंट होता है तो लेकिन असली मेहनत मैंने जनवरी से की थी ये जो पूरा सर्कल था आप जो पढ़ाई कर रहे थे इस बीच में आ, बहुत सारा ऑफ्ट्रगल भी आया होगा क्योंकि अभी जो कोरोना चल रहा है इसको लेके स्टडी में भी आ, बहुत सारा ऑफ्ट्रगल आया होगा कैसे मैनेज मेरे पास मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था तो वो मैनेज करना बहुत आसान हो गया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स को बीच में कोविड भी हुआ था लेकिन उन्होंने मुझे वो प्रॉब्लम्स फील नहीं होने दिए जो दूसरे बच्चों को फील होता तो मेरे पास वो प्रिविलेज है कि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड uh, हाँ मेरी फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया एंड उसके कारण सब पॉसिबल हो गया आप बताएं अभी पहले कोविड uh, हुआ था पेरेंट्स को इस बीच में uh, बहुत सारा मेंटली स्ट्रेस में भी होंगे क्योंकि एग्जाम में एक तरह और कोविड जो कि एक तरह ख़तरनाक बीमारी भी है उस तरह से मेंटली स्ट्रेस को कैसे हैंडल बस वही बात है कि अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम होती भी थी तो वो लोग मेरे साथ वो चीज़ शेयर नहीं करते थे और क्योंकि उनको पता था कि मुझे पढ़ाई करनी है घर पे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अकेले की ताकि मुझे वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़े दीदी पढ़ाई के साथ साथ आप एक अच्छे एथलेट भी हैं। हम आपका सर्टिफिकेट सब देख रहे थे वगैरह आपको उड़ीसा बास्केटबॉल वास्के, टीम में भी सिलेक्ट हुए हैं अंडर सिक्सटीन में और बहुत सारा गेम भी कॉमनवेल्थ गेम भी हम खेले हैं इस मैंने कैसे मैनेज करते हैं पढ़ाई के साथ एथलेट आई थिंक स्कूल लेवल में पढ़ाई के साथ कुछ भी मैनेज करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करती है अगर आप हर दिन पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती जो मैंने नहीं किया था मैं सब कुछ लास्ट टाइम पे पढ़ी थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था लेकिन हाँ अगर आप हर दिन पढ़ना चाहें तो पढ़ाई और स्पोर्ट्स सब कुछ साथ, साथ चलना आसान हो जाता है आखिरी दो सवाल आप ए पहले तो आप अपना जो दोस्त दोस्त है कि आप तरह से जो मेहनत कर रहे हैं जो स्टडी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे और दूसरा सवाल आप इसका क्रेडिट किसको देंगे सॉरी Uh, सबसे पहले चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी क्योंकि हम लोग छोटे शहरों से होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मे बी हम लोग उन बच्चों को जितना अच्छा नहीं कर पाए जो बड़े शहरों में है क्योंकि ये एग्ज़ाम ही वैसा प्रिपेयर किया जाता है तो मेरा मैसेज उनको यही होगा कि ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से है मैटर करता है कि आपकी कितनी केपेबिलिटीज़ हैं सो आप बस अपने ऊपर विश्वास करिए और पढ़ते जाइए अपने फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को क्योंकि अकेले तो मैं कुछ नहीं कर पाती फैमिली को बेटी ऑल इंडिया रैंकिंग में सेकेंड पोजिशन में आया है कोई छोटी बात नहीं कितना खुश बहुत खुश है सर हम तो सोचे नहीं थे इतना आएगा पर थोड़ा सा दिमाग में तो था जितना ये मेहनत कर रही थी उस से तो लग रहा था कि अच्छा रैंक आएगा लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इसको लेके ये शुरू से ही मेधावी छात्रा रही है सर स्कूल में पढ़ाई लिखाई में खेल में सब में आगे रही है हमेशा इसके मन में जो आता था वो करके रहती थी कि मेरे को सीखना है तो सीखना है वो चीज़ को इसलिए हम लोग को लग रहा था कि ये कुछ करेगी इसमें था हमारी पढ़ाई के साथ साथ एक खेलती भी है बहुत अच्छा खेलती भी है और बहुत अच्छा खेली भी है बहुत सर्टिफिकेट मिला भी है और ओडिशा को रिप्रेजेंट भी किया है जब खेलती थी बचपन में हर माँ बाप भी इच्छा रहा था मेरा बेटी पढ़े लेकिन वो जब खेल की तरह जा रहा था तो आप उसको डांटे नहीं थोड़ा बहुत तो सर था मेरे मन में आता था कि नहीं पढ़ाई में तुम ज़्यादा ध्यान दे दिन भर क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ाई की तरफ ऐसा लगता था बच्चा पढ़ के कुछ बने करके लेकिन इसका था कि मैं खेल के साथ पढ़ भी लूँगी मम्मी करके ये हमेशा बोलती थी मैं खेल के साथ पढ़ लूँगी लेकिन मेरे मन में रहता था कि नहीं तुम पढ़ाई ज़्यादा कर पढ़ाई ज़्यादा कर लेकिन इसने दोनों को मैनेज करके दिखाया बहुत अच्छा टेंथ तक इसने बहुत अच्छा किया सर सब चीज़ मैंने पढ़ाई को भी मैनेज किया अच्छी तरह से और खेल में भी अच्छी तरह वो अच्छा बहुत अच्छा किया सर दोनों चीज़ ये मैनेज करके दिखाई हम लोग को यानी आज हम लोग इसके पेरेंट्स है करके हम लोग को प्राउड फील होता है बहुत गर्व होता है कि हम आज हमारी बच्ची इतना अच्छा दोनों चीज़ मैनेज कर पाई आपका मन में क्या है आगे चल के आप क्या बनना चाहते बनाना चाहते हैं सर अब अपना तो कुछ नहीं है बच्ची लॉ करके बनना चाहती है लॉयर बनना चाहती है अच्छी तो वही हम लोग तो उज्ज्वल भाई से की कामना करते हैं कि बच्ची जो इसकी इच्छा है वो पूरी हो बेटी को लेके कितना प्राउड है बहुत प्राउड है बेटी के लिए बचपन से प्राउड हूँ क्योंकि मैं जब भी स्कूल जाता था डेली पब्लिक स्कूल तो मेरे को निधि के पापा नाम से मेरे को जानते थे पूरा स्कूल में क्योंकि तो मेरा बेटा भी पढ़ता था मगर उसके नाम से कम जानते थे निधि के नाम से ज़्यादा जानते थे तो बचपन से ये मेरे को प्राउड फील किया है स्पोर्ट्स में और हर चीज़ में मैं बारावती स्टेडियम भी गया इसके साथ कई बार एथलेटिक्स में बास्केटबॉल में सब में तो हर समय इसको अप्रिसिएसन मिलता है कि सी इज़ ए वेरी गुड प्लेयर सी इज़ वेरी गुड मतलब एकेडमिक्स है इसका बहुत अच्छा जब भी इसके रिजल्ट लेने जाते थे तो टीचर बोलती निधि का कुछ भी कहना नहीं इस इज़ टॉप बहुत अच्छा कर रही है आप उसकी चिंता मत कीजिए तो एज ए पेरेंट्स जब बच्चा अच्छा करता है हर चीज़ में तो बहुत प्राउड फील होता है आज का दिन में भी कहीं ना कहीं बेटी को लेके इंसान का जो भी समाज में एक माइंड एक माइंड कॉन्सेप्ट थोड़ा डाउन है बेटी को एक दूसरा नज़र से देखा जाता है कहीं ना कहीं आ, दुनिया इतना एडवांस कर गया फिर भी कहीं ना कहीं मन में लगे रहता है लेकिन आपका बेटी खेल में भी सबको पिछड़ के आगे आगे चल रहा है और पढ़ाई में भी आगे चल रहा है तो आगे ये जो जाके लॉयर बनेगी इसको लेके मतलब क्या आप भी एक कुछ प्लानिंग की होंगे क्या मन में चल रहा है नहीं देखिए पहला तो बात है कि बेटी और बेटे में हमने कभी डिफरेंस नहीं किया अपॉर्चुनिटी हम दोनों को बराबर ही प्रिवेल किए कि कहीं भी ऐसा नहीं कि बेटा को फेवर कर रहे हैं बेटी को नहीं हाँ कंसर्न्स थे कि स्पोर्ट्स में अकेले जाना है सब हम लोग इसके साथ जाते थे हम लोग को भी टाइम देना पड़ता था तो बहुत कुछ कंसर्न्स रहते थे सेफ़्टी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता था और आगे बस अभी क्या बनेगी ये हमने नहीं सोचा है हम लोग जितना पढ़ना चाहती है जहाँ तक पढ़ना चाहती वो पढ़े हमारा एक ही एम है इसको एक ही चीज़ है कि पूरी तरह से छूटे ये जहाँ तक जितना बीएलएल भी करने के बाद पीजी भी जो भी करना चाहे अभी क्या बनना ये नहीं आगे खाली पढ़ना है दीदी मेरे को आप, आपका और एक सवाल आ, जो आप लॉयर बनना चाहते हैं लॉयर का भूमिका आज का दिन में समाज के लिए सोसाइटी के लिए बहुत अहमियत रखता है तो आप आगे चल के आपका मेंटेलिटी किस तरह होना चाहिए सोसाइटी को आप किस नज़र से देखें आई थिंक सर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लॉयर्स के लिए कि वो रियलाइज़ करें कि उनके पास कितनी ज़्यादा पावर होती है और वो लोग लोगों की कितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं अगर हम लोग एस, इस इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि बहुत सारे लोगों को लॉज के बारे में जानकारी नहीं होती एंड फिर उससे उनका उनको उनका एक्सप्लेशन किया जाता है तो मैं एक ऐसा मीडियम बनना चाहती हूँ लोगों के लिए ताकि मैं उनको उन लॉज के बारे में बता सकूँ उनकी मदद कर सकूँ ताकि जो सिस्टम उनकी प्रोटेक्शन के लिए बना है वो है वो उसका फ़ायदा उठा सकें तो लॉयर्स वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं धन्यवाद आप निधि अग्रवाल जे ऑल इंडिया रैकिंग्र सेकंड पोजिशन आमन लडमिशन तंको बापा राजेश अग्रवाल और संगीता अग्रवाल मांत प्रतिक्रिया नौलू तेज निधि इच्छा आगे जाइए समाज रयर है आउ समाज जो लोक माने जो लोक माने ल रु तो नियम माने लु वंचित होगा जो लोग पछुआ रही किंदा समाज को जो मतलब न्याय मिलूनी प्रति सहानुभूति देखने के आगे जिवे जी से चेष्टा जारी रप निधि यही कमार सफलतारे बेस खुशी तेज तरह सब समस्त इच्छा आगक पूरण होने कामना करो कैमेरा पर्सन रविदास अमीर रंजन पड़ा अर्गस्ट न्यूज